दोस्तों अभी हम लोग एक ऐसा केले का प्लॉट में लगभग ट्रांसप्लांट करने के 1 से 1.5 महीना हो चुका है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कितना कमाल का केले का प्लॉट है। लेकिन इस प्लॉट के अंदर आप लोग अगर सही से देखेंगे तो कुछ इस तरीके से एक आध प्लांट हो रहा है, ऐसा देखने को मिल रहा है। तो इसके पीछे कारण क्या है? तो इसके पीछे कारण है CMV यानी कि कुकुम्बर मोजाइक वायरस, जो कि बनाना की फसल यानी कि केले की फसल में बहुत ही ज़्यादा नुकसान करता है। दोस्तों CMV वायरस एक बार अगर आपकी फसल में लग जाता है तो फिर उसको कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आज हम इसलिए आप लोगों को बताएंगे कि CMV वायरस एक्चुअली होता क्या है, ये बनाना यानी कि केले की फसल में कब और कैसे प्रकोप होता है, फिर उससे हम लोग कैसे बच सकते हैं, कौन सी दवा को इस्तेमाल करके, ये सारी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगा। तो वीडियो को आप लोगों को लास्ट तक देखना है। बड़ा उससे पहले अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जल्दी कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे ही न्यू वीडियो आप लोगों के लिए डालते रहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं CMV वायरस एक्चुअली होता क्या है। CMV यानी कि कुकुम्बर मोजाइक वायरस, जो कि सभी फसल में ज़्यादातर देखने को मिलता है और उसके साथ साथ केले की फसल में भी इसका प्रकोप देखने के लिए मिलता है। तो केले की फसल में अगर एक बार CMV वायरस का प्रकोप लग जाता है तो फिर इसको कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो जाता है। लेकिन CMV वायरस को कंट्रोल कैसे करेंगे वो भी आप लोगों को बताएंगे। उससे पहले जानते हैं कि CMV वायरस एक्चुअली किसके कारण फैलता है, इसका वाहक क्या है। तो CMV वायरस एक्चुअली इसका वाहक एफिड्स होता है या फिर जेसिड्स होता है, थ्रिप्स होता है, ऐसे जो सकिंग पेस्ट होता है उसके कारण ये CMV वायरस का प्रकोप होता है। उसके अलावा कभी कभार ऐसा होता है कि जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है या फिर एकदम बिल्कुल कम हो जाता है तो भी आप लोगों का CMV वायरस का प्रकोप देखने के लिए मिल सकता है। या फिर कभी कभार ऐसा होता है कि न्यूट्रिशन वगैरह की कमी हो जाता है, फिर CMV वायरस ऐसा देखने को भी मिल सकता है। लेकिन सवाल ये आती है कि CMV वायरस बनाना के फसल में यानी कि केले की फसल में कब प्रकोप होता है। तो देखिए, जैसे आप लोग बनाना यानी कि केले की फसल को ट्रांसप्लांट कर देते हैं उसके बाद 8 से 10 दिन बाद से शुरू हो जाता है इसका प्रकोप। कि ऐसा नहीं कि 8 से 10 दिन बाद ही आपको लगेगा, आप लोगों को हो सकता है 1-1.5 महीना बाद, जैसे कि इस फसल के अंदर आप लोगों को देखने को मिल रहा है, इस प्लॉट के अंदर अभी 1-1.5 महीना हो चुका है लेकिन यहाँ पर CMV वायरस का पूरा प्रकोप हो चुका है। क्यों पता है? क्योंकि इससे मतलब पहले जो है प्रिवेंटिव दवा ऐसा कोई स्प्रे नहीं किया गया है, यानी कि CMV वायरस का प्रकोप होने से पहले कोई भी दवा को छिड़काव नहीं किया गया है ताकि CMV वायरस फसल के अंदर ना हो। इसलिए तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि CMV वायरस को कंट्रोल करने का तरीका क्या है। CMV वायरस का कंट्रोल करने का मेन तरीका क्या है कि प्रिवेंटिव आप लोगों को दवा को इस्तेमाल करना है। तो प्रिवेंटिव हम लोग कौन कौन सी दवा को इस्तेमाल करेंगे, चलिए आप लोगों को एक एक करके बता देते हैं। तो दोस्तों केले की फसल में CMV वायरस से बचने के लिए एक कॉम्बिनेशन को आप लोगों को इस्तेमाल करना होगा। लेकिन उससे पहले आप लोगों को जो करना है, जो पौधे में CMV वायरस का प्रकोप हुआ है उस पौधे को पहले उखाड़ करके कहीं दूर में जाके फेंक देना है और उसके बाद ही आप लोगों को इस कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहला दवा रखनी है सौरजा। दोस्तों सौरजा को आप लोगों को थोड़ा सा हम बता देते क्या होता है। सौरजा एक स्वरूप एग्रोकेमिकल कंपनी का मॉडर्न तरीके का बायो स्टिमुलेंट है, जो कि पौधे का हाइट को तो बढ़ाता है साथ ही साथ पौधे को हरा भरा रखता है। कभी कभार क्या होता है, स्ट्रेस से वजह से मतलब फसल के अंदर वायरस का प्रकोप होने के लिए डर रहता है, तो उससे ये बचा देता है। इसलिए हम सौरजा को ले रहे हैं 10 ml के हिसाब से। उसके साथ साथ दूसरी प्रोडक्ट रखना है नियोसिल नाम का दवा, जो कि स्वरूप एग्रोकेमिकल कंपनी का आता है। तो नियोसिल के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बता देते हैं। नियोसिल में मौजूद सिलिका पौधे की वृद्धि, पत्तियों की मजबूत और प्रकाश संश्लेषण और जड़ों की संरचना के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है, इसलिए नियोसिल को आप लोगों को इस समय लेना है। तीसरी आप लोगों को रखना है एजिस, जो कि स्वरूप एग्रोकेमिकल कंपनी का आता है। तो एजिस की अगर बात की जाए तो एजिस नैनो टेक्नोलॉजी पर आधारित एक मॉडर्न तरीके का जो कि बैक्टीरियल जनित रोग के ऊपर काम करने वाला दवा है, जो कि केले की फसल के लिए तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो एजिस को भी आप लोगों को लेना है। एजिस को कितना लेना है, 5 ml लेना है। तो आप लोगों को समझ में आ गया क्या लेना है। सबसे पहले सौरजा को लेना है 10 ml और उसके अलावा नियोसिल को लेना है 5 ml और आप लोगों को उसके बाद जो लेना है वो होता है एजिस को 5 ml। तीनों को आप लोगों को घोल को बनाना है और 15 से 16 लीटर वाला जो टंकी होता है उस हिसाब से आप लोगों को डोज बता रहे हैं। और उसके साथ साथ आप लोगों को और एक दवा लेना है, जो कि लेंसर गोल्ड या फिर जो तापूज होता है अडामा का, या फिर जो 10,000 ppm वाला नीम ऑयल होता है, उसमें से किसी को एक को आप लोगों को डालना है और अच्छे से घोल बनाकर आप लोगों को छिड़काव करना है। 3 बार छिड़काव करना है 1 महीने के अंदर 10 दिन अंतराल पर, तो अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आप लोग CMV वायरस से बचने के लिए इस दवा को आप लोगों को इस्तेमाल करना है। तो ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों आप लोगों को नीचे लाइक करके बताना है, और अगर आप लोगों का फिर भी मन में कुछ सवाल रहेगा तो आप लोग नीचे कमेंट कर देना। बाकी इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जल्दी कर लीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे न्यू वीडियो आप लोगों के लिए डालते रहते हैं।